इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक टॉपिक है एडी करंट्स। जब हम किसी मेटल पीस को मैग्नेटिक रिवर रोटेट करते हैं मीन मूव कराते हैं या किसी वैल्यू चेंजेबल जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके पूरे वॉल्यूम में मैटर के पूरे वॉल्यूम में करंट सेटअप हो जाता है। कैसे? जस्ट लाइक वाटर, जैसे वाटर को आप रिवॉल्व करके छोड़ देते हैं तो उसमें बीच में लगता है आपको घूमते हुए बल्ब, उसी तरह के दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एडी करंट्स। फोको ने इनको डिस्कवरी किया था इसलिए इसको फोको करंट भी कहते हैं। तो ये इतनी पावरफुल हो सकती है कि जो मेटल पीस रेयर हो जाता है लाल रंग एंड इट कैन बी मेटल यूज। तो क्या डिवाइस है? इसकी इफेक्ट है कि ये बहुत ज्यादा पावर एज ए हीट लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ पावर एज हीट। तो इसको फिर कैसे मिनिमाइज करें, कैसे कम करें? इसको कम करने के लिए हम लेमिनेटिंग कोर बनाते हैं, मींस कि मेटल का एक सिंगल फ्रेम का लेकर के थिन स्ट्रिप से लेकर के एक मोटा कोर या फ्रेम बनाते हैं। थिन होने से आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, एज यू नो लेमिनेट मींस आर प्रोपोर्शनल 1/8। तो थिन होने से जब क्रॉस सेक्शन का मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो एडी करंट डिक्रीज हो जाती है, वो गर्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है। पावर कैसे की कहा यूज है, एप्लीकेशन क्या है इसके मतलब जो इंडक्शन फर्नेस आजकल जो है मेटल स्क्रैप जो है मेटल के टुकड़ों को कैसे मेल्ट करते हैं इंडक्शन फर्नेस में डाल करके, एक फर्नेस होती है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें रोटेट कराती है मेल्ट हो जाती है। ट्रेन जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं, डेड वेट गैरोमीटर में भी हम इसको यूज करते हैं।